अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दो लेक्चर हम ले चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं, जहां पर सेकंड लेक्चर पर हमने बात खत्म की पाकिस्तान जिंदाबाद के फर्स्ट पॉइंट पर। तो आज हम चलेंगे सेकंड लेक्चर जहां पर खत्म हुई, तो थर्ड लेक्चर हम इसे हम रीज्वाइन करते हैं। हमारी आखिरी बात जो खत्म हुई थी कि बताया गया कायदे आजम ने बताया कि हमारे नबी ने जो बात बताई है और हमें ये सिखाया है कि अल्लाह के नजर में सब इंसान जो है वो आपस में भाई हैं। तो आइए स्क्रीन पर चेक करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद टॉपिक है हमारे पास, थर्ड लेक्चर है हमारे पास और स्लाइड नंबर हम 5 तक पढ़ चुके थे। आइए देखते हैं, सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, थर्ड स्लाइड आपके पास और यहां से हम कंप्लीटली आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए आखिर के दो लाइन पर, इट वॉज एट लाहौर इन मार्च 1940। अब हम बात करते हैं 1940 मींस लाहौर, जब कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच दिया था 1940 पर, तो उस स्पीच के बारे में आज हम जानेंगे, जहां दैट मुस्लिम लीग टू द रिजल्ट, जहां पर मुस्लिम लीग लीड कहते जमात को, मुस्लिम मतलब मुसलमानों की जमात ने फैसला कर लिया था 1940 में। और अगर आपको याद हो तो 1940 दरअसल पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम दिया गया था, जिसे करारदार पाकिस्तान कहा गया था। उस वक्त मुसलमानों की जमात ने फैसला कर दिया, वो फैसला ये कर दिया कि दैट स्प्लिट इंडिया टू नेशन, अब इंडिया को दो अकवामों में मतलब दो कौम में तब्दील होना है, मतलब एक हिंदू और एक मुस्लिम, दो हिस्सों पर होना है। ये 1940 की बात है जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। स्लाइड नंबर 7 पर चलते हैं, तो स्लाइड नंबर 7 में ये बताया गया दे अग्री, जब बात हो गई थी मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया, तो दे अग्री नॉट टू एक्सेप्ट एनी प्लान फॉर इंडिया, वो अग्री कर गए। दे का मतलब हिंदू भी और अंग्रेज भी, दोनों अग्री कर रहे, पर लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एनी प्लान जो प्लान मुसलमानों ने दिया फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, which delayed to give Muslim an independent state in those part of India where there were more Muslim than Hindus. उस जगह पर कतई मुसलमानों को जगह नहीं देना चाहते थे जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जैसे कि such as East Bengal बताया गया, जहां पर मशरकी पाकिस्तान जिसे कहा गया था, जो हिस्सा पाकिस्तान में था, बाद में बांग्लादेश बन गया। तो इस हिस्से में मुसलमानों को देना ही पना नहीं देना चाहते थे, कहा कि ठीक है आप आजाद होना चाहते, ठीक है आजाद होंगे, लेकिन उस जगह पर हरगिज आपको आजादी नहीं मिलेगी जहां आपकी तादाद सबसे ज्यादा हो। जहां पर कौन कौन सी जगह है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट, कहा के शुमार और जुनूब का जो एरिया होता है उस एरिया में मुसलमानों को आजादी नहीं मिलेगी। द इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड दिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उस वक्त भारत में हिंदुओं ने अपने ही अखबार में ये बात लिख डाली है कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, मींस करारदार पाकिस्तान, जो मुसलमान चाहता है अलग रियासत। जब ऐसी बात आई तो एक तो पहले से हम लड़ रहे झगड़ रहे थे, जब मुसलमानों ने ये तहरीक चलाना शुरू कर दी कि अलग रियासत में रहकर अलग जगह के मुंतकिल भी करना है, तो ये लड़ाई जब बढ़ते चले गए और जैसे लड़ते 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 ये एक ऐसी फिजा कायम हो गई जहां लोग एक दूसरे को मार रहे थे, कत्ल व गारत कर रहे थे, जिम्मेदारी कर रहे हैं, तो ये चलते रहे, तो ये जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड इन 1933। आपको ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान का नाम जो है दरअसल 1933 में अखज़ कर दिया गया था। सवाल ये है कि भाई किसने अखज़ किया, तो वो भी मैं आपको बताऊँ, भाई चौधरी अहमद अली, इस नाम को किसने अखज़ किया, किसने बनाया, तो ये सोच जो थी वो चौधरी रहमत अली की, चौधरी रहमत अली की थी। भाई ये कहां से थे, कौन थे, तो चौधरी रहमत अली मतलब ही वाज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, चौधरी रहमत अली जो थे दरअसल एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, तो तालीम हासिल करते थे और एक स्टूडेंट थे बेसिकली। उस दौर में उस जगह पर रहकर इन चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के नाम को अखज़ किया। ये लाइन लिखिएगा, लाइन नंबर 2 एंड 3 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू नंबर 3 जैसे आप ऊपर पढ़ चुके थे, दो एमसीक्यूज वहां पर लिखा है, तो लेक्चर नंबर 2 पर और लेक्चर नंबर 3 पर अभी मैं फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आपके 3 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो लाइन नंबर 2 से लेकर 3 तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूं। द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड इन 1933
by Chaudhary Rehmat Ali. ये हो गया घन एमसीक्यूज. फोर एमसीक्यूज पर क्या लिखेंगे, ही वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट. He was a Cambridge student. ये MCQs number 3 और ये MCQs number 4 जो आपके पास आ रहे हैं. अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान का नाम किसने खस गया, ये पता चल गया कि पाकिस्तान का नाम कब रखा गया, ये दोनों बातें हो गई. चले अब आपको मैं ये बताता हूं पाकिस्तान के जो लफ्ज लेटर है PAKIS EAL, ये जो लफ्ज लिए गए वो कहां से लिए गए, और फिर आपको मैं ये भी बता चलूं जो पाकिस्तान का नाम है वो कितने जबानों का मरक्का मतलब बना सकता है. आइए देखते हैं. तो कहा हीरोन इन बोथ अ पर्शियन एंड अ उर्दू वर्ड. कहा कि पाकिस्तान जो लफ्ज मिलाप जो बना है वो पर्शियन एंड उर्दू जबानों के मिलाप से बना है. ये दोनों जबानों को जब हम मिलाएंगे तो लफ्ज पाकिस्तान बनाया गया. अब मैं बात कर रहा था कि इसके हर्फ को जानना है, इसके लटर को जानना है, तो मैं आपको बताऊं कि एशियन कंट्रीज जितने भी हैं हमारे पास, जितने कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रीज के लफ्ज को लेकर कुछ प्रोवेंसेस हैं, कुछ सूबे हैं उनके लफ्ज को लेकर और कुछ ऐसे सिटी शहर हैं उनको लेकर, तो ये लफ्ज बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान है. सी ऑन स्क्रीन कहा गया इट इज कंपोज ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम ऑल आवर होमलैंड. बताया गया ये जो लफ्ज पाकिस्तान लिया जो गया है, जो लेटर जो हर्फ लिया गया है, आर होमलैंड हमारे जमीन के लफ्ज है. ये बेसिकली जो इंडियन नॉट इंडियन मैं कह रहा हूं इंडियन एशियन कहा के वो एशियन एशियन लफ्ज है जो लिए गए. आइए देखते हैं आप आपके स्क्रीन पर निकाल रखे तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि पाकिस्तान लफ्ज कैसे कैसे लिए गए. तो सी दैट इज पंजाब पी मतलब पंजाब. अफगानिया मतलब ए जिसके अंदर शामिल है सरहद जिसे क्या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर शुमाल जनूब सुबह जो मैंने आपने कहा था कुछ प्रोवेंसेस भी है जिसको लिए गए इसको आप शहर कह लो इसको आप सुबह कह लो. कश्मीर ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में लफ्ज मैंने कहा एशियन समझ लो सिर्फ. ईरान पाकिस्तान में नहीं तो हो गया पी ए के आई हो गया. अब आते हैं एस मतलब सिर्फ सिर्फ के अंदर क्या क्या शामिल है इंक्लूडिंग खर्च एंड खाते हुआ के दो और इसके अंदर शामिल है लेकिन हम उसके वर्ड नहीं ले रहे हम सिर्फ ले रहे हैं एस. ओके फिर चलते हैं तुर्किस्तान तो पाकिस्तान में नहीं ये भी आपके पास है एशियन. फिर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में नहीं फिर भी लफ्ज ले लिया हमने एंड बलूचिस्तान सर आप कहेंगे तो बलूचिस्तान में बी का क्या काम है नो बी नहीं आखिरी के शब्द जो थे कहते हैं अल्फाज एल वो लिया गया बलूचिस्तान. इन सब को मिलाकर लफ्ज पाकिस्तान बनाया गया पी ए के आई एस टी ए एन पाकिस्तान. तो मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान का नाम 1933 पे रखा गया. फिर मैंने ये बताया कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा चौधरी मोहम्मद अली ने रखा. फिर पाकिस्तान दो ऐसे पर्शियन उर्दू जबान का मरकब मिलाप से बनकर बना है पाकिस्तान. फिर मैंने आपको बताया जो लेटर जो हर्फ लिए गए जो शब्द लिए गए वो कौन कौन से कहां कहां से लिए गए वो मैं आपको कंप्लीट कर दें. ये तो हिस्ट्री हो गई पाकिस्तान. अब इसके मीनिंग जान लेते हैं व्हाट इज मीन बाय पाकिस्तान. तो यहां पर लिखा है आपकी किताब में इट मींस दैट इसका मतलब ये हो गया द लैंड ऑफ द पाक मतलब आपका मतलब आपकी जो सरजमीन है वो पाक है. पार्ट को उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बताया आपकी किताब में स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअल मींस रूहानी रूहानी जिसे कहा गया रूहानी मतलब उसको और इसी करके बताया आपकी किताब में प्योर एंड क्लीन मतलब क्लीन एंड क्लीन जो आपके सरजमीन का जो हिस्सा है जो सरजमीन जब आप पाकिस्तान को हाफ करें तो पाक मतलब आपकी सरजमीन जो है वो पाक है रूहानी तौर पर ये बताया गया. अब जैसे ही एक फर्स्ट टाइम जो कायदा आजम मोहम्मद अली जी ना जो हमारे लीडर थे जो वाइटपुर पर आए थे तो वहां पर हमारे लोगों से क्या कहा था याद है उसको क्या कहा था आप सब आजाद हो आप सब इस रियासत में आजाद हो आप चाहो इबादत के घर से अपने मंदिर अपने मस्जिद अपने चर्च जहां मर्जी जा सकते हो चाहे आपका दारो किसी भी नस्ल से हो किसी भी जात से हो किसी भी कौम से हो आप एक शहरी हो. ओके ये तो बात थी कराची की. अब लेते हैं कि कायदा आजम ने लाहौर में क्या कहा वो भी मैं आपको बताता चलूं. तो लाहौर में क्या कहा 100 टाइम बिफोर यू टेक द डिसीजन
तो हमारे कैद ने कहा था लाहौर में खड़े होकर मुस्लिम लीग की जब तहरीक चली और वहां पर एक मीटिंग हुई तो वहां पर कहा कि 100 बार सोच लो जो तुम फैसला कर रहे हो, अगर जब तुम फैसला कर लो तो जिना टोल द लीग एट लाहौर, लीग एट लाहौर, लीग का मतलब जमात, मुसलमानों की जमात से क्या कहा लाहौर में का, बट वन द डिसीजन इज टेकन, अगर एक बार जब तुम फैसला कर लो तो स्टैंड बाय इट्स एज वन मैन, तो एक मर्द की तरह अटल हो, एक इंसान की तरह से अटल हो। तो जैसे कि आपने सलमान खान के प्यारिश में था भाई, एक बार जो कमिटमेंट कर ले तो फिर मुड़ के नहीं सुना, तो भाई ऐसा लगता है कि यहाँ से कॉपी राइट की गई भाई। यहाँ पर कायदादन ने क्या कहा, कायदादन ने कहा जब एक बार नहीं 100 बार सोचो, जब तुम फैसला कर लो तो अपने फैसले में अटल हो जाओ, अब जब तुम अटल हो गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे एक शख्स भी शहीद हो तो अपने मिशन को जारी रखना है, रुकना नहीं है, चाहे दो तीन चार चाहे पूरे कारवा फना हो जाए, अगर कोई एक भी जिंदा रहे तो उसको भी मुकम्मल करना अपनी मंजिल, ऐसा ना हो दो तीन चार पांच देखा और फिर रुके। तो इस मिशन पर, इस विजन पर, इस सोच पर जब चले थे तो कायद आजम छोड़े, कायद आजम के दो सहबाब, उसके रिश्तेदार और हमारे बाबाजा और कई ऐसे बाबाजा जो गुजरे चले, तो उनके भाई बहन रिश्तेदार सब के सब मारे गए, शहीद हो गए, तब जाकर पाकिस्तान वजूद में आया। और हमें और हम सबको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान वजूद में कैसा है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो सुन तो सकते हो, देख से सकते हो, हिस्ट्री पढ़ तो सकते हो, जहां पर आपको ये समझ हो कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए एड़ी चोड़ी के जोर लगा दिए हमारे बाबाजा ने, तब जाकर कई जाने कुर्बान करिए, तब जाकर पाकिस्तान को हासिल किया। और उसके बाद जब लफ्ज पाकिस्तान आ गया तो उसके बाद भी हम सर्वाइव करते रहे, आजाद तो हो गए, आजाद होने के बाद भी ना रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और काम करने के लिए भी काम दी। फिर आपको एक और कहानी बताऊं, जो 1950 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लियाकत अली खान गए थे, वहां पर उस रियासत में कांसास यूनिवर्सिटी में जो यूएसए ने दावत दी लियाकत अली खान को कि आए यहाँ पर और आप बताएं, फिर वहां पर लियाकत अली खान ने अपनी तारीफ करने के बजाय जो उनको इज्जत से नवाजा जा रहा था उन्होंने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सबब बताया कि पाकिस्तान को आजाद क्यों करवाया, मतलब मुसलमान अलग रियासत क्यों चाहते थे, वो असबाब बताए, वो परेशानी बताई और वो डिमांड रखा और अमेरिका से नहीं पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से कहा कि आप हमारी मदद करें और डेवलप कंट्रीज हमारी मदद करें, तब जाकर पाकिस्तान से मॉडर्न वर्ल्ड मतलब जदीद दौर जदीद दुनिया में शामिल हुआ। सिर्फ पाकिस्तान आजादी ये काफी नहीं है, आजादी के साथ कोई भी कौम पाकिस्तान से रब्ता नहीं रखना चाहती, कोई भी कौम काम करना ही नहीं चाहती थी, इकोनॉमिकल हम बहुत ज्यादा वीक थे और आज भी शायद वैसे ही है, हम कल भी वीक थे और आज भी कल भी, लेकिन एक चीज थी, पहले हम यूनिटी में काम करते थे और आज आप यूनिटी नहीं, तो कहा कि यहाँ पर जब फैसला कर लो तो दैट काय वॉज राइट, तो उस फैसले में सारे अटल हो गए, क्योंकि काय भी जो थे हमारे लीडर थे वो अटल हो गए थे अपने फैसले पर। और फिर कहा वह नहीं डिक्लेयर, जब ये कहे तो उन्होंने क्या कहा, जब सारे के सारे जब फैसले कर गए और फैसला कर चुके थे तो कहा नो पावर ऑन अर्थ, कोई भी ताकत इस जमीन की कैन प्रिवेंट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को बचा नहीं सकती। जब ये सेंटेंस कहा तो कुछ लोग इनके मुखालिफ हो गए थे, कुछ लोग इनके अगेंस्ट कहने लगे और कुछ लोग ऐसे थे जो फेवर में कहने लगे, तो मीनिंग डबल मीनिंग है इस पर, कैसे जब हम पहले मीनिंग की तस्दीक करते हैं नो पावर ऑन अर्थ, कोई भी ताकत से जमीन की कैन प्रिवेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान को बचा नहीं सकता, मतलब कि पाकिस्तान के तबाह होने वाला है, मतलब कि पाकिस्तान बनेगा नहीं, क्या नेगेटिव में, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव में पर अगर सोचे तो कहा कि सरजमीन मतलब इस सरजमीन में जो ताकत है, तो कहा कोई भी ताकत पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकता, नहीं बस, तो ये मीनिंग पॉजिटिव है, तो दो मीनिंग थे इसके, तो यहां पर पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव नहीं है। ये हो गए स्लाइड नंबर 7, आइए स्लाइड नंबर 8 की तरफ चलते हैं, या तो कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप में जाकर वहां सवाल कर सकते हो, सर ये लाइन ये बात नहीं समझ पाए, ठीक है ओके, हम आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 8 की तरफ। अब सवाल ये होता है, मुस्लिम लीग जब तहरीक चली थी तो हिंदुओं ने भी एक तहरीक चलाई थी और एक पार्टी वहां पर, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, ठीक है, कुछ पाकिस्तान जब मुस्लिम लीग नहीं बनी तो कांग्रेस जब पार्टी बनी थी उसमें मुसलमान भी कुछ लोग थे, लेकिन बाद में जाकर वो तहरीक टूटने के बाद आगे बढ़े थे, तो उस कार्य को आप 9 क्लास में बता सकते हो,
और नाइन क्लास में अगर आप मुझसे पढ़े तो वो चीजें वहां पर मौजूद है। तो जब कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन, जब दूसरी लड़ाई हुई तो कांग्रेस के जो लीडर थे वो बेसिकली उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब सवाल एक है वो लिख लेंगे, मैं सवाल लिखवा देता हूं, वेयर डिड, सुनिएगा गौर से, वेयर डिड कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेयर डिड कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे जंग यजीदा दूसरा दूसरी लड़ाई में कांग्रेस के जो लीडर थे वो कहां पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे? तो जवाब फर्स्ट लाइन से लेकर सेवन लाइन तक है, फर्स्ट लाइन से लेकर सेवन लाइन तक है, स्क्रीन पर देखेंगे आप और स्क्रीन के टॉप वन लाइन से लेकर सेवन लाइन पर जाकर आंसर कवर करेंगे। नहीं समझ आता मैं पढ़ देता हूं। जवाब है कांग्रेस लीडर स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन। तो जवाब में क्या हुआ, कांग्रेस के जो लीडर है ज्यादातर वक्त अपने जो वक्त गुजारे वो कैद में गुजारे, हिरासत में गुजारे। लोगों ने वहां की जो पॉलिसी थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। क्या पॉलिसी थी, क्या चार्ज किया गया था इनके ऊपर, किस बुनियाद पर इन्हें हिरासत में लिया गया था, और अकाल और अकाल के बाद मोहम्मद चार्ज इल्जाम जो लगे थे ऑफ देयर मास सिविल डिसोबीडियंस दैट अगेंस्ट इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के लीडर ने, जितने मतलब भारत के जितने भी लड़ाई झगड़े के प्लान थे उन्होंने क्या कहा था, रात को फाश कर दिया था। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लीडर को हिरासत में ले लिया। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट लाइन से लेकर सेवन लाइन तक लिखेंगे क्या क्या था, सिविल डिसोबीडियंस क्या, सिविल डिसोबीडियंस करने पर उन पर चार्ज लगाया जाए और उनको हिरासत में ले लिया। और वो क्या सिविल डिसोबीडियंस क्या था, जो भी भारत के प्लान थे लड़ाई झगड़े को लेकर अटैक को लेकर उसने रास्ता फाश कर दिया। अब आगे चलते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम जिना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम, जब ये कांग्रेस के लीडर जब हिरासत में थे तो हमारे मुसलमान के जो लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बेसिकली क्या क्या उन्होंने, उनको मौका मिल गया, उनको टाइम मिल गया, वो बारी बारी जाकर लोगों से बात करते थे, उनके ब्रेन वॉश करते थे, अपने लीग अपने जवाब में शामिल करते थे। जब देखा टाइम कम है तो उन्होंने जाकर ज्यादातर मुसलमानों को एक जगह बुला लिया, जिसे उस दौर में तो मीटिंग कहते थे, इजलास कहते थे। अब यहाँ पर जलसे का नाम जाएगा, तो वेन ही वाज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जब वो हर जगह नहीं जा पाते थे तो हमारे लीडर ने क्या किया, इस मीटिंग की ह्यूज मीटिंग तमाम के तमाम मुसलमानों को एक जगह बुला ली और जलसे में खिताब करना शुरू किया। He spent all his time and his tax writing to Muslim League worker. और जो काम मुसलमानों की जमात या मुसलमान करते थे, इवन मुस्लिम लीग के जो वर्कर काम करते थे उन्हें वो लिखा भी करते थे, और लिखते लिखते वक्त गुजरता गया, लिखते लिखते उन्होंने इसी टाइम को यूटिलाइज किया और he found time to start a newspaper. और देखते देखते ही मुसलमानों ने अपनी पहचान अपनी रिसोर्सेज को रिड्यूस करवाया, वो है अखबार न्यूज़पेपर। उस वक्त अंग्रेज और हिंदू अपने अपने न्यूज़पेपर शाया करते थे, मुसलमानों के पास कोई भी अखबार नहीं, वो जा पढ़ा करें। तो मुसलमान ने अपने तरफ से एक अखबार शाया किया जो कायदे आजम ने लिखा। तो मुसलमानों की तरफ से पहले अचीवमेंट यही थी कि मुसलमानों की तरफ से एक अचीवमेंट ये देखने को मिली, उन्होंने एक अखबार शुरू किया भारत में ज्यादातर जो अखबार थे उनके अपने हुआ करते थे, मुसलमानों के कोई भी अखबार नहीं तो उनके अपने हुआ करते थे, ब्रिटिश और हिंदू अंग्रेजों के अलग और हिंदुओं के अलग न्यूज पेपर हुआ करते थे। लेकिन मुसलमानों ने जब अखबार चाया किया तो द मुस्लिम्स वेलकम अ पेपर ऑफ देयर ओन, तो मुसलमानों ने अपने अखबार को वेलकम उनको ओन किया। अब वो अखबार पढ़ने लगे जहां मुसलमानों के बारे में बताया। स्लाइड नंबर 9, थ्रू आउट द वॉर इयर्स ही वाज अ वेरी सिक मैन।
वक्त गुजरता चला गया और कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना मतलब हमारे लीडर वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो गए और वो सहजाबी से बहुत दूर निकल गए। काफी बट ही रिफ्यूज टू टेक हिज डॉक्टर एडवाइस टू टेक रेस्ट, यहां तक कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना मतलब हमारे लीडर आराम करने से इनकार कर गए और कहा आई हैव वर्क टू डू और कहा कि हमें बेशुमार काम मुझे काम करना है बस। ही ऑलवेज से और हमेशा यही कहते रहे तो वो एक जब आपने वक्त में एड भी देखो काम 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 जिंदा करे हम काम जब काम सब करते हैं तो फिर करे आप तो फिर अभी काम करने का वक्त जब काम करते रहेंगे तो पति बनेगा नाम तो अभी आप वर्क करें मेहनत करें जो काम करते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये शख्स आपके काम आपके नाम को ही बनाएगा। वो यही कह रहा था जो वो काम कर चुके थे वो सेटिस्फाइड थे अपनी जिंदगी में इत्मीनान थे अपनी जिंदगी पर जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किया उससे ले बख्शे। ये स्लाइड नंबर 9 और नेक्स्ट स्लाइड तक आएंगे और एक क्वेश्चन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड जीना, गांधी एंड जीना के दरमियान फर्क क्या है वो हम पढ़ेंगे। आप वैसे कहते हैं टाइम कम है यहाँ पर हम स्लाइड नंबर 9 जो है ये लेक्चर नंबर 4 में ऐड कर लेंगे। सवाल लिख के रखो लेक्चर नंबर 4 में यहीं से कंटिन्यू करेंगे आप। लेक्चर नंबर 3 जो है यहीं तक हम पॉइंट अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो बात नहीं समझ आए तो वो अपने ग्रुप में जाकर सवाल कर सकते हो और इवन जो सिर्फ एमसीक्यू काम बार बच्चे सवाल ये कर रहे हैं कि काम क्या करें बेटा काम अभी नहीं करना होता है कोचिंग में सिर्फ जो एमसीक्यू पार्ट है उस पार्ट को लिखना होता है और उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से सिर्फ वो याद कर लेना है बस और एमसीक्यू को देख लेना है। एमसीक्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको लिखवा दे रहा हूँ साथ साथ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।